दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू ड्रीम लैंड कॉम्पिटेटिव क्लासेस। दिस इज चंदन सैयर। दोस्तों जैसा कि हम लोग मिशन 1000 क्वेश्चन का सीरीज लेकर के जो चल रहे हैं, और हमारा जो मिशन है कि 1000 प्रीवियस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं कंप्लीट करवा दूं, ठीक है? तो उस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले स्टेयर्स की ओर बढ़ रहे हैं, और ये हमारा अगला स्टेयर जो है वो एपिसोड 11 है। दोस्तों जो मैं एपिसोड दे रहा हूं, इसमें कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर बहुत बेहतरीन आप बता रहे हैं और बहुत चीज समझ में आ रहा है, और वही वीडियो के नीचे जो उनका कमेंट आता है तो बहुत अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि जो मैं एफर्ट कर रहा हूं उन बच्चों के लिए, ठीक है, वो मेरा फ्रूटफुल साबित हो रहा है। क्योंकि उसमें एक गर्ल्स कमेंट की है कि सर आप जो मेहनत कर रहे हैं इसमें आपको तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन हम लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कमेंट। एंड जैसा कि मैं बताऊं कि हमारा जो ये पैशन है पढ़ाने का, इस पैशन को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, और इस पैशन को कंटिन्यू करते हुए मैं चीजों को आगे बढ़ाते चला जा रहा हूं, ठीक है? तो मेरा सेंचुरी पूरा हो गया था, और हम लोग सेंचुरी से अब आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट सेंचुरी की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट सेंचुरी की ओर बढ़ते हुए मेरा ये पूरे एपिसोड का 101 यानी 101st क्वेश्चन है, और इस एपिसोड 11 का ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, और देखेंगे। और एक चीज और मैं बताऊं कि जितना भी मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं, जितना डीपली मैं बता रहा हूं, आप लोग अपना भी एडवाइस आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपकी क्या राय है, ठीक है, और हम कैसे अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं ताकि मैं आपको बेहतर से बेहतर दे सकूं। बिकॉज यू आर माई गाइडलाइन, सिंपल, एंड यू आर हार्टली वेलकम फॉर योर कोऑपरेशन एंड फॉर योर एडवाइस। हार्टली वेलकम, आई अप्रिशिएट यू फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क। तो हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। द पेशेंट वेटेड इन ड्रेड फॉर द ट्रॉली इट वुड टेकन हिम टू द ऑपरेशन थिएटर। ध्यान दीजिएगा, मैं पिछले एपिसोड में भी आपको बताया था कि मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, जबकि ये ऑप्शन वाले क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चन है सारे ऑप्शन वाले हैं, ठीक है, बट मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, डायरेक्टली मैं इसका सॉल्यूशन करवा रहा हूं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि नहीं ऑप्शन नेसेसरी है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, तो मैं आगे इस पर अब कंसीडर करूंगा कि मुझे ऑप्शन देना हो या नहीं देना हो। तो चलिए, यहां पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग जनरली देख लेते हैं कि जितना भी ब्लू इंक से लिखे हुए जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यहीं पे कहीं ना कहीं इरर होगा या नो इरर होगा, ठीक है ना? इरर होगा तो यहीं पे होगा, लेकिन मैं सिर्फ ये ब्लू इंक से लिखे हुए ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ही नहीं, बल्कि पूरे सेंटेंस को क्लैरिफाई मैं करते जा रहा हूं, ठीक है? तो यहां भी सेंटेंस को क्लैरिफाई करते हुए मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान देंगे यहां पे, कि ये क्वेश्चन नंबर 101, इसमें सबसे पहले आइए एक वर्ड है वेट। वेट मीन्स होता है इंतजार करना, और वेट के साथ ध्यान रखिएगा कि वेट के साथ फोर का प्रयोग होता है, समझे? वेट के साथ फोर का प्रयोग होता है, वेट फॉर समथिंग। क्लियर हुआ? वेट फॉर समथिंग। एक वर्ड इसमें है आपका इन ड्रेड, ध्यान दीजिएगा, इन ड्रेड। इन ड्रेड का मतलब होता है भय में या आतंक में, भय या आतंक में, ठीक है ना? इन ड्रेड का मतलब होता है। अब जरा देखिए कि यहां वेट के साथ फोर लगा हुआ है, वेटेड इन ड्रेड, भय में इंतजार कर रहा था, यानी भयभीत होकर इंतजार कर रहा था फॉर ट्रॉली के लिए। इट वुड टेकन हिम टू द ऑपरेशन थिएटर। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता दूं, यहां पे एक मॉडल एक्जुलेरीवर की बात मैं बता रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। मॉडल एक्जुलेरीवर जो होते हैं वो होते हैं सेल, विल, कैन, कुड, हो गए।
उसके बाद आइए सुड वुड कुड माइट सॉरी 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 कैन के बाद मे आएगा ठीक है माइट और एक है आपका आउट टू और एक है आपका मस्ट ठीक है ना। ये जितने भी एक्सिलरी वर्ब आप देख रहे हैं समझे एक मिनट थोड़ा लाइट एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सारे के सारे मॉडल एक्सिलरी वर्ब है और याद रखिएगा सबसे पहला काम कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब के ठीक है ना जस्ट आफ्टर मॉडल एक्सिलरी वर्ब जस्ट आफ्टर मॉडल एक्सिलरी वर्ब इफ देयर इज मेन वर्ब जस्ट आफ्टर मॉडल एक्सिलरी वर्ब इफ देयर इज मेन वर्ब श्योर एंड सर्टेन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब विल कम द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब विल बी यूज्ड। नेक्स्ट इफ इफ जस्ट आफ्टर मॉडल एक्सिलरी वर्ब देयर इज अ हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड हैज और हैड ये इस्तेमाल नहीं होंगे। तो इनके बाद याद रखिएगा कि जब इनके बाद हैव का प्रयोग हुआ है तो निश्चित रूप से यहां पे भाव का थर्ड फॉर्म आएंगे ठीक है ना। नेक्स्ट आइए ध्यान दीजिए अगर इनके बाद हैव आया और उस हैव के बाद बीन आया ठीक है तो यहां पर भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आएंगे और याद रखिएगा कि ये जो थर्ड फॉर्म आएंगे ये पैसिव में यूज होंगे और ये जो आएंगे एक्टिव में यूज होंगे ठीक है। नेक्स्ट आइए अगर इसके बाद बी का प्रयोग होता है तो इनके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएंगे। अब ये फोर्थ फॉर्म जो आएंगे वो एक्टिव में आएंगे ठीक है। यदि इनके बाद बी का प्रयोग होता है तो भाव का थर्ड फॉर्म आएंगे कब जब ये पैसिव में होंगे जब ये पैसिव में होंगे। क्लियर हुआ क्लियर हुआ। ये जितने भी आप देख रहे हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब इनके तुरंत बाद अगर मेन वर्ब का मेन वर्ब आते हैं तो श्योर एंड सर्टेन इट विल बी यूज्ड इन द फर्स्ट फॉर्म। अगर इनके ठीक बाद हैव आता है हैज और हैड नहीं आएगा ठीक है ना। क्यों नहीं आएगा ये भी मैं बताऊंगा कि हैव मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है मुझे पता है कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है और अगर हैव हैज और हैड की बात करें तो हैव हमारा फर्स्ट फॉर्म है इसलिए हैव होगा। तो इनके बाद बी थ्री का प्रयोग होगा। नेक्स्ट आइए अगर हैव के बाद बीन आता है तो बी थ्री का प्रयोग होगा ये पैसिव में और एक्टिव में। और यदि इनके बाद बी का प्रयोग होता है बी फोर ठीक है ना जैसे ही विल बी रीडिंग ही विल बी रीडिंग आई शैल बी प्लेइंग अगर बी के बाद बी थ्री आते हैं तो निश्चित रूप से ये पैसिव में आएंगे ठीक है ना जैसे ही विल बी बीटेन रमेश विल बी टारगेटेड। तो इस तरह के ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब के कुछ फॉर्म थे जो मेन वर्ब किस फॉर्म में आएंगे वो बताया गया है। चलिए आगे आइए जब ये वुड है तो हम कह सकते हैं कि ये टोटल मॉडल एक्सिलरी वर्ब चाहे प्रेजेंट हो या पास्ट हो इनके तुरंत बाद मेन वर्ब आया है इसका मतलब है कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि यहां तो टेकन होगा नहीं क्या हो जाएगा टेकन के जगह पे यहां एन हटा दीजिए वुड टेक हो जाएगा। एक तो यहां पे हमने करेक्शन किया। चलिए अब इसके बाद भी इसमें इरर है यहां पे करेक्ट तो हम कर दिए लेकिन इसके बाद भी इरर है। इरर क्या है कि अब जरा ध्यान दीजिएगा कि द पेशेंट वेटेड इन ड्रेड फॉर ट्रॉली पेशेंट ने वेट किया किसके लिए ट्रॉली के लिए वुड टेक हिम टू ऑपरेशन थिएटर जो उसे ऑपरेशन थिएटर की ओर ले जाएगा। किसके लिए वेट किया ट्रॉली के लिए कौन सी ट्रॉली जो उसे ऑपरेशन थिएटर की ओर ले जाएगा। तो जहां पर भी बात होती है तो यहां पे इट का प्रयोग ना हो करके यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन की आवश्यकता है ठीक है ना और वह रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आपका दैट का प्रयोग होगा ठीक है ना दैट वुड टेक हिम टू द ऑपरेशन थिएटर। अब आपका क्वेश्चन सही हुआ ठीक है ना। तो सबसे पहले मॉडल एक्सिलरी वर्ब के साथ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म उसके बाद यहां पे इट नहीं इट के जगह पे दैट का प्रयोग होगा क्योंकि यहां पे दो क्लॉज है और एक
कंप्लीट सेंटेंस है, उसके बाद जो बने हुए क्लाउज है, और वो क्लाउज में दैट का प्रयोग होगा क्योंकि क्लाउज का एंटीसीडेंट ट्रॉली है, नॉन लिविंग थिंग्स है, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आया सबको? थैंक यू। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102 क्वेश्चन कह रहा है कि वी अर्जेंटली नीड वेल क्वालिफाइड टीचर फॉर आवर स्कूल। अब इसमें ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड इरर की संभावना बन सकती है, यहां पे प्रीपोजिशन से रिलेटेड इरर की संभावना बन सकती है। तो 102 में देखेंगे कि क्वालिफाइड जैसे ही बताइएगा, क्वालिफाइड ठीक है ना, तो क्वालिफाइड फॉर समथिंग होता है, ठीक है ना, क्वालिफाइड के साथ फॉर का ही प्रयोग होता है। यहां भी है वी अर्जेंटली नीड वेल क्वालिफाइड टीचर्स फॉर, क्वालिफाइड फॉर किसके लिए, आवर स्कूल, हमारे स्कूल के लिए, ठीक है ना। तो यहां पे तो फॉर आएगा ही, आवर स्कूल सही है ही, इसका मतलब है कि यहां पे कोई इरर नहीं है, यहां पे नो इरर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, इट हैज बीन 2 इयर्स दैट आई हैव सी मीना। ठीक है, अब जरा देखिएगा यहां पे इरर कहां पे, समझे, सिंपल सा मैं आपको एक कंजंक्शन से रिलेटेड इरर यहां पे बता रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। इरर क्या है कि एक तरफ आपका सेंटेंस होंगे, सेंटेंस वन, उसके बाद एक कंजंक्शन आती है जिसे हम बोलते हैं सिंस, और दूसरी तरफ जो जाएंगे वो जाएंगे सेंटेंस टू, सेंटेंस टू, ये सेंटेंस वन और ये सेंटेंस टू। आप जरा ध्यान दीजिएगा, वह सेंटेंस जो सिंस के ठीक बाद है ना, तो यहां पे क्या होता है कि ये जो सिंस की बात आप कर रहे हैं ना, तो सिंस का बहुत लंबे यूज है, सिंस प्रीपोजिशन का भी काम करता है, सिंस कंजंक्शन का भी काम करता है, सिंस एडवर्ब का भी काम करता है, ठीक है, समझ गए। तो यहां पे जो सिंस काम कर रहा है ये कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है, और यदि सिंस कंजंक्शन के रूप में दो सेंटेंस को जोड़ने का काम अगर करता है, तो ध्यान दीजिएगा कि पहला सेंटेंस जो होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होंगे, और दूसरा सेंटेंस जो होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होंगे, ठीक है ना। फर्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होंगे और दूसरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होंगे। आप ये कह सकते हैं कि सर आप पिछले एपिसोड में आप कई बार बता चुके हैं कि जब किसी भी सेंटेंस में दो क्लॉज अगर कंजंक्शन से जुड़ा ही हो, तो एक क्लॉज अगर पास्ट हो तो दूसरी भी पास्ट होने की संभावना है। हमने बताया था दूसरी भी पास्ट होने की संभावना ज्यादा अंतर रहती है, लेकिन यदि सिंस का प्रयोग आया है तो सिंस के बाद आने वाला जो भी सेंटेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा, और सिंस के पहले आने वाले सेंटेंस होंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होंगे। और ऐसा क्यों किया गया है मैं बताता हूं, इसलिए किया गया है कि दोनों सेंटेंस को के भाव को देखा गया है। अब जरा देखिए, अगर मैं कहूं एक सेंटेंस में लिखता हूं, जरा गौर से देखिएगा, टेन इयर्स हैव पास्ट, ठीक है। अब यहां पे फिर मैंने यूज किया सिंस, आई एस्टैब्लिश्ड द कंपनी। इसको गौर से इसके मीनिंग को समझिएगा, 10 इयर्स हैव पास्ट, 10 साल बीत चुके हैं सिंस उस समय से लेकर जब मैंने कंपनी स्थापित किया, उस समय से लेकर अब तक 10 वर्ष हो चुके हैं। अब बताइए कि जो समय जो बीता 10 साल, वो अभी बीता है, यानी प्रेजेंट में जस्ट अभी बीता है, और जब कंपनी एस्टेब्लिश हुआ था वो पास्ट में हुआ था। इसका मतलब है
कि हमारा भाव कह रहा है कि अभी अभी 10 साल बीता है और कंपनी उस समय स्थापित हुई थी, इसीलिए सिंस के बाद आने वाले जो भी सेंटेंस होते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं और सिंस के पहले आने वाले जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होते हैं। अब जरा देखिए यहां पे क्या कह रहा है, इट हैज बीन 2 इयर्स, ठीक है ना। अब आपको लग रहा है कि सर यहां पे क्या पास्ट परफेक्ट है, आप कैसे कहेंगे? इसलिए कहेंगे कि ये जो है हैज आपका एक्जुलरी वर्ब है और ये है आपका V3। देखिए एक्जुलरी वर्ब के रूप में हैज हैव हैड के साथ V3 आता है तो हम मानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज हैव के साथ, हैज और हैव के साथ V3 आने पर प्रेजेंट परफेक्ट है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट इसलिए है कि यहां हैज के साथ V3 आया है और बीन V3 है क्योंकि मैं बताया हूं बी वॉज या वर्ब और उसके बाद बीन V3। चलिए नेक्स्ट आइए, तो आई हैव सी मीना होगा कि यही 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 इधर है, ठीक है ना। आई हैव सी मीना होगा या आई सॉ मीना होगा बेटू? देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, बेटू का प्रयोग होता है, तो यहां डायरेक्टली बेटू आ जाएगा, तो हैव सी के जगह पे बेटू का प्रयोग कर देंगे, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 104, जरा ध्यान दीजिएगा 104 क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें प्रायः लोग कंफ्यूज करते हैं और ये आर्टिकल का क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो है आर्टिकल से रिलेटेड इरर, इसमें इरर की संभावना है, तो ध्यान देंगे 104। देखिए आई हैव एन इनवाइट फ्रॉम अ फ्रेंड टू विजिट द कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स, है ना। अब जरा देखिए कनाडा के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है, तो सबसे पहले ये कंफ्यूजन आएगी कि क्या कंट्री के पहले आर्टिकल का प्रयोग संभव है, कंट्री के पहले आर्टिकल का प्रयोग संभव है। जरा ध्यान दीजिएगा, नेम ऑफ द कंट्री, नेम ऑफ द कंट्री, जितने भी नेम ऑफ द कंट्री है ध्यान दीजिए इसे हम क्या प्रॉपर नाउन कह सकते हैं, जरा बताइएगा, ठीक है ना। अगर नेम ऑफ द कंट्री को प्रॉपर नाउन कह सकते हैं तो मुझे पता है कि जनरली प्रॉपर नाउन के पहले डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। प्रॉपर नाउन के पहले डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन जब आप आर्टिकल पढ़ते हैं या उसका रूल्स पढ़ते हैं तो आपको ये पढ़ाया जाता है और टीचर्स भी बताते हैं आपको कि बिफोर द नेम ऑफ द कंट्री डेफिनेट आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड, बट देयर इज सम एक्सेप्शन, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन हैं जिनमें हम कंट्री के नाम के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं और वह एक्सेप्शन बताया जाता है कि वह एक्सेप्शन है, ठीक है ना, क्या है, एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन में बताया जाता है जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, इसके पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आ जाइए वेस्ट इंडीज, ठीक है ना, इनके पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ये सब एक्सेप्शन है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हर जगह एक्सेप्शन नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ रीजंस भी होते हैं लगाने का, है ना। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में आज आपको एक्सेप्शन हटा दीजिए दिमाग से और मैं इसके पीछे रीजन बता रहा हूं कि किस कंट्री नेम के पहले आर्टिकल का प्रयोग संभव है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले आइए मैं आपको बताता हूं, ये एक्सेप्शन नहीं है भाई साहब, सबसे पहले जानिएगा दिस इज नॉट एन एक्सेप्शन, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, ठीक है ना। व्हाट इज द रीजंस, चलिए मैं आपको बताता हूं इसमें रीजंस क्या है। देखिए रीजंस क्या है, आर्टिकल डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल द इज यूज्ड यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ द कंट्री, बिफोर द नेम ऑफ द कंट्री, कब और किस स्थिति में, सबसे पहला आइए ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। नेम ऑफ द कंट्री, नेम ऑफ द कंट्री विथ विथ प्लूरल नेम, विथ प्लूरल नेम,
जैसे अगर मैं बात करूं तो एक आता है फिलीपींस, नाम से नहीं लग रहा है कि ये प्लूरल है ना, लग रहा है। एक कंट्री नेम है नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स, क्या ये प्लूरल नहीं लग रहा है। एक कंट्री है आपका मालदीव्स, ठीक है ना, क्या आपका ये नाम जो है प्लूरल नहीं लग रहा है। भी ये सुबह मालदीव्स, ये सारे के सारे नाम प्लूरल लग रहे हैं। तो जब नेम ऑफ द कंट्री प्लूरल हो तो याद रखिएगा कि इनके पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग संभव है, डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग संभव है। आगे आइए दूसरा, दूसरा ध्यान रखिएगा, द नेम ऑफ द कंट्री, द नेम ऑफ द कंट्री, कंट्री विथ द एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा विथ द एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा नेम दैट एक्सप्रेसेस काइंड ऑफ अ स्टेट, दैट एक्सप्रेसेस काइंड ऑफ अ स्टेट। अब ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि काइंड ऑफ अ स्टेट क्या है। देखिए कुछ ऐसे कंट्री नेम है जिसमें कुछ डिफरेंट टाइप के स्टेट नेम अलग से लगे होते हैं। जैसे आप देखिए, हम एक बात करते हैं अमेरिका का, है ना, अमेरिका का। जैसे ही अमेरिका मैंने लिखा तो उस अमेरिका के पहले यूनाइटेड स्टेट्स आ गया, तो अलग से नाउन जुड़ गया यूनाइटेड स्टेट्स, है ना। जैसे कुछ नाउन है जैसे द रिपब्लिक, किसी कंट्री के नेम के पहले द रिपब्लिक लग जाते हैं, किसी कंट्री के नेम के पहले, ठीक है ना, कन्फेडरेशन लग जाता है, किसी कंट्री के नेम के पहले द स्टेट लग जाता है, या किसी कंट्री के नेम के पहले द यूनियन लग जाए या द किंगडम लग जाए, ठीक है। तो ये सब जो नेम है ना, तो अगर कंट्री के नेम के पहले ये सब नाम अगर आ जाता है तो उस कंट्री के नाम के पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग हो सकता है। चलिए देख लीजिए कौन कौन से नेम ऐसे आते हैं, ठीक है ना, काइंड ऑफ स्टेट आते हैं किस तरह का। जैसे अगर मैं कहूं कि रिपब्लिक, ठीक है ना, रिपब्लिक, समझे, द रिपब्लिक, द डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, उसके बाद आ जाइए द यूनाइटेड, यूनाइटेड, या द स्टेट, समझे, द स्टेट या स्टेट्स, उसके बाद आइए द कन्फेडरेशन, ठीक है, उसके बाद आइए किंगडम, हो गया क्या, नहीं, द किंगडम, ठीक है। तो ये सब जो नेम है द प्रिंसिपलिटी, ठीक है, तो जब किसी कंट्री के नाम के पहले अगर इन सब नाम अगर जुट जाता है, ठीक है ना, तो उनके नामों के पहले हम डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, उनके नामों के पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, समझे। चलिए अब आइए देखते हैं, जैसे अब आइए एग्जाम्पल में जरा देखते हैं। अगर मैं लिखता हूं द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ध्यान दीजिए यहां पे, ठीक है ना, ये कंट्री नेम है अमेरिका, लेकिन इस कंट्री नेम के पहले यूनाइटेड स्टेट्स लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहां पे डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है ना। आगे आइए, एक हम लोग लिखते हैं द यूनाइटेड किंगडम, किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन,
अब देखिए ब्रिटेन एक है देश, अब इनमें यूनाइटेड किंगडम लगा हुआ है, तो जैसे ही यूनाइटेड किंगडम लगा हुआ है तो इनके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग आ जाएगा, ठीक है। एक है द रिपब्लिक ऑफ सिसली, द रिपब्लिक ऑफ सिसली। अब यहां सिसली एक द्वीप है, उसके पहले लग गया क्या रिपब्लिक, और रिपब्लिक लगा है तो डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होगा। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जानिएगा कि जब कभी इस तरह के कंट्री नेम का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में होता है तो याद रखिएगा कि ये पूरे के पूरे को प्रॉपर नाउन समझा जाता है, और जब पूरे के पूरे को प्रॉपर नाउन समझा जाता है तो यहां जो आर्टिकल का प्रयोग होगा ना, इसका भी पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, पहला लेटर कैपिटल होगा। इसलिए जहां भी द आप देख रहे हैं फर्स्ट लेटर कैपिटल है, समझ में आ गया, आ गया ये। अब कितना हुआ ये सेकंड, अब आइए थर्ड में, कुछ ऐसे कंट्रीज नेम हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसे कंट्रीज नेम हैं जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है ना, वैसे कंट्री नेम जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, तो जितने भी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं वो सारे कंट्रीज नेम के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां पे हम लिख रहे हैं, देखिए तो द मालदीव्स आइलैंड्स, द मालदीव्स आइलैंड्स, आगे देखिए मैं लिख रहा हूं द वेस्ट इंडीज, क्योंकि वेस्ट इंडीज भी क्या है एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। अब एक चीज और मैं बता दे रहा हूं, फिलीपींस भी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, नीदरलैंड्स भी ग्रुप ऑफ आइलैंड है, उस स्थिति में भी फिलीपींस और नीदरलैंड के पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग हो सकता है। आगे आइए फोर्थ वन, इसको लिख लीजिए, तो मैं फोर्थ बताता हूं। चलिए थर्ड आपने देखा, अब देखेंगे हम लोग फोर्थ वन, ये फोर्थ वन क्या है, वैसे नेम ऑफ द कंट्री जो लिया गया है, जो लिया गया है उसका नाम किसी न किसी ज्योग्राफिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स है, उसके नाम जो है ना वो कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल फीचर्स से उसका नाम लिया गया है। तो वैसे जितने भी कंट्री हैं, ठीक है ना, वो सारे कंट्री के नाम के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे द यमन, द यमन, द लेबनान, ठीक है, द यमन, द लेबनान। देखिए आपको ये लग रहा होगा कि सर पता तो नहीं चलेगा कि ये जो नेम है ज्योग्राफिकल नेम है, सही बात है, ये जो यमन है, ठीक है ना, इस यमन कंट्री का जो नेम है ना ये ज्योग्राफिकल फीचर्स है, क्या है, इस यमन का कुछ मतलब है, यमन का मतलब होता है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मीन होता है ताकत, ठीक है ना, उसके बाद इसका नाम जो है ना वो परसिस्टेंस इसका मतलब होता है, इसके नाम से मतलब है, इसके नाम से जो मीनिंग निकलता है वह मीनिंग जो आता है स्ट्रेंथ है, परसिस्टेंसी है, फेलिसिटी है, ठीक है ना, तो ये सब नाम का मतलब निकलता है जो कि ज्योग्राफिकल फीचर्स है ये सब। दूसरा ये जो लेबनान है, इस लेबनान कंट्री जो है ना ये एक द पीक ऑफ माउंट लेबनान से मिला है, वो माउंट लेबनान एक पर्वत है और उसी पर्वत के नाम से इस कंट्री का नाम पड़ा है लेबनान। तो जब कभी किसी कंट्री का नेम ज्योग्राफिकल फीचर्स हो तो फिर उनके नामों के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, कनाडा का इन चारों में से कोई भी ऑप्शन कनाडा में फिट नहीं बैठते हैं, समझे, ये फोर्थ हुआ आपका, इन चार में से कोई भी फिट नहीं बैठते हैं, इसलिए कनाडा के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करना गलत होगा। दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स के पहले आएगा, क्योंकि देखिए मैं लिखवा चुका हूं कि जब कभी किसी नाउन में स्टेट्स अगर आ गया तो निश्चित रूप से डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होगा, इसलिए यहां पे यूनाइटेड के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग आ जाएगा, और वो भी डेफिनेट आर्टिकल द में पहला लेटर कैपिटल रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है,
क्लियर हुआ आपको? आपको मैं बताता हूं, इस तरह का रूल शायद आप आर्टिकल में नहीं पढ़े होंगे जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेकर के आऊं, कहीं एक्सेप्शन, कोशिश मेरा रहेगा कि कहीं एक्सेप्शन ना हो, कहीं ना कहीं रीजन से आपका यह रूल निकल के आ जाए। चलिए थैंक यू, अब आप इसको देखें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 105। आई थिंक दैट कैपिटलिज्म इज नॉट अ बेटर इकोनॉमिक सिस्टम फॉर आवर कंट्री। सबसे पहले सिंपल जानिएगा कि जैसे ही हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कर रहे हैं, तो जस्ट पिछले एपिसोड में यानी एपिसोड 10 में मैं पूरी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में एकदम एक्सप्लेनेशन में दे चुका हूं। आप एक बार एपिसोड 10 देख लेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा एक बता देता हूं। एपिसोड 10 में मैं बता चुका हूं कि जब कभी सिंगल पर्सन की बात अगर की जाए तो सिंगल पर्सन के लिए कभी भी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग संभव नहीं है। सिंगल पर्सन के लिए अगर संभव है तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग संभव है, कंपैरेटिव का संभव नहीं है। डबल के लिए कंपैरेटिव संभव है, सिंगल के लिए संभव नहीं है। मोर देन टू के लिए कंपैरेटिव संभव है, सिंगल के लिए नहीं है, ठीक है? तो इसलिए यहां पे जो कंपैरेटिव हो रहा है कि सिर्फ एक की बात कर रही है, किसका? कैपिटलिज्म की बात कर रही है कि कैपिटलिज्म इज नॉट अ बेटर इकोनॉमिक सिस्टम फॉर आवर कंट्री। हमारे देश के लिए कैपिटलिज्म जो है वो अच्छा नहीं है, इकोनॉमिक्स अच्छी इकोनॉमिक सिस्टम नहीं है, ठीक है? तो सिंगल कैपिटलिज्म की बात हो रही है यहां, यह नहीं है कि कैपिटलिज्म की तुलना किसी और से हो रही है, ठीक है ना? सिंगल कैपिटलिज्म है, इसलिए नॉट अ बेटर की जगह पे क्या हो जाएगा, इस बेटर को हटा दीजिए और लिख दीजिए नॉट अ गुड इकोनॉमिक सिस्टम फॉर आवर कंट्री। अब ये आपका सही हो गया, ठीक है ना? नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 106। माय स्टूडेंट अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन प्रीफरिंग टू वर्क टू द हॉस्पिटल एवरी डे। अब यहां पे जो इरर है आपका, वो इरर ये है आपका टाइम एंड टेंस के अकॉर्डिंगली इरर, ठीक है ना? ये इरर टाइम एंड टेंस के अकॉर्डिंगली क्या है जरा मैं आपको बता दूं, और ये मैं पिछले एपिसोड में बता भी चुका हूं, समझे? कि जिस सेंटेंस में कुछ एडवर्ब ऑफ जो है टाइम का जिक्र होता है, कुछ सर्टेन एडवर्ब ऑफ टाइम है जिनका प्रयोग हो जाने के बाद वह सेंटेंस या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होंगे या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होंगे, और यह सेंटेंस आदत बताने का काम करेगा। अगर प्रेजेंट की आदत बताने का काम कर रहा है तो प्रेजेंट में, और पास्ट की आदत बताने का काम कर रहा है तो वो पास्ट में चला जाएगा। माई स्टूडेंट डॉक्टर बाय प्रोफेशन, मेरा विद्यार्थी जो प्रोफेशन से डॉक्टर है, प्रीफरिंग टू वॉक टू द हॉस्पिटल एवरी डे, यानी प्रतिदिन हॉस्पिटल वॉकिंग करके जाता है, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा कि यहां पे प्रीफरिंग नहीं, यहां पे प्रीफर हो जाएगा, ठीक है ना? प्रीफर्स। अब ये देखिए कि यहां पे सब्जेक्ट जो है वो माय स्टूडेंट है, ठीक है ना? सब्जेक्ट जो है ये माय स्टूडेंट है, ठीक है ना? और ये अलग से आपका एक एट्रीब्यूट लगा हुआ है, ठीक है? तो मैं बता दूं कि जब कभी किसी सब्जेक्ट के लिए कोई एट्रीब्यूट का अगर प्रयोग हो जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि वह एट्रीब्यूट कभी भी सब्जेक्ट वर्ड नहीं हो सकता है, यानी उसके अकॉर्डिंगली वर्ब का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। वर्ब का इस्तेमाल जब भी होगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली होगा, ना कि एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंगली होगा। और जो सब्जेक्ट के एडिशनल इंफॉर्मेशन बताने का काम करता है, उस पार्टिकुलर पार्ट को हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट, ठीक है ना? तो यहां पे सब्जेक्ट आपका माय स्टूडेंट है, और यहां पे निश्चित रूप से एवरीडे लगा हुआ है, इसका मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा तो मुझे पता है कि सब्जेक्ट प्लस V1/V5 होंगे, है ना? वहां पे आपका सब्जेक्ट है माय स्टूडेंट, जो कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या होगा, V5। तो सबसे पहले आइए प्रीफर, प्रीफरिंग के
की जगह पे हम लोग क्या कर देते हैं, प्रीफर कर देते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें संभावना बताते हैं आपको, जैसे ही प्रीफर का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि प्रीफर के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है, उसके बाद आने वाला जो मेन वर्ब होता है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होता है, कभी भी इसका प्रयोग फोर्थ फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म में ना करेंगे। प्रीफर टू के बाद आने वाला टू प्लस हमेशा बी वर्ब होगा, उसी तरह यहां प्रीफर टू के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और प्रीफर के साथ एकमात्र प्रीपोजिशन आएंगे वह प्रीपोजिशन है टू। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, व्हेनेवर वी गो आउट वी स्पेंड अ लॉट मनी ऑन फूड। चलिए इसका भी जिक्र मैं आपको किया हूं, देखिए मैं बताता हूं, कई बार बता चुका हूं कि जो भी मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं वो क्वेश्चन तो भले ही एक आपको दिख रहा है लेकिन उस एक क्वेश्चन से रिलेटेड जो रूल लिखवा रहे हैं उसमें जो कंटेंट है वो कंटेंट आगे चल करके आगे वाले क्वेश्चन में भी आएंगे, ठीक है ना। तो इसके पहले मैं प्रोनाउन का जिक्र बहुत अच्छा से किया हूं, आप देख लेंगे इंडिफिनिट प्रोनाउन के बारे में, और इंडिफिनिट प्रोनाउन के बारे में मैं जिक्र किया हूं तीन कैटेगरी में बांट करके, कि कुछ इंडिफिनिट प्रोनाउन जो केवल अनकाउंटेबल नाउन के लिए आते हैं, कुछ इंडिफिनिट प्रोनाउन ऐसे हैं जो केवल काउंटेबल नाउन के लिए आते हैं और कुछ इंडिफिनिट प्रोनाउन ऐसे हैं जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए आते हैं। और इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताया हूं और वो एक बार पढ़ लेंगे वो ट्रिक याद हो जाएगा, आप पिछला एपिसोड देख लेंगे उसके लिए। तो चलिए हम लोग आगे इसके लिए बढ़ जाते हैं, तो इसको देख लेते हैं कि व्हेनेवर वी गो आउट वी स्पेंड अ लॉट, देखिए ए लॉट नहीं होता है, जब भी होता है ये लॉट ऑफ होता है या लॉट्स ऑफ होता है, ठीक है ना। ए लॉट अकेला कभी नहीं आएगा, जब आएगा तो ए लॉट ऑफ आएगा या लॉट्स ऑफ आएगा। जब इनका प्रयोग हो रहा है तो ध्यान रखिएगा कि इनके बाद आने वाला नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन भी हो सकता है और इनके बाद आने वाला नाउन अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है, क्योंकि यह जो है ना एल, ठीक है ना, यह उस कैटेगरी में आता है जिस कैटेगरी में हम ट्रिक आपको बताए थे माप सेल या नाप सेल, ठीक है ना। ये सब एपिसोड में किसी में मैं बताया हूं, देख लीजिएगा 6 या 7 एपिसोड ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो ये माप सेल या नाप सेल जो मैं बताया हूं ट्रिक, उस ट्रिक में एल है ये, और एल लॉट्स ऑफ या ए लॉट ऑफ, इनके बाद आने वाला प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा तो भर भी क्या हो जाएंगे प्लूरल हो जाएंगे, और इनके बाद आने वाला नाउन अगर अनकाउंटेबल होगा तो भर क्या हो जाएंगे सिंगुलर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां ए लॉट नहीं, यहां पे ए लॉट के बाद ऑफ लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट आइए, दीज हाउसेस विच वर बिल्ट 20 years ago are now in the need of repairs। ध्यान दीजिएगा कि यहां पे जो ये सेंटेंस आ रहा है, गौर से इसको देखिएगा, मैं बताया हूं इसको बहुत बेहतरीन तरीके से, रिलेटिव प्रोनाउन जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है ना, उस रिलेटिव प्रोनाउन में बहुत बेहतरीन तरीके से इसको मैं बताया हूं इसी एपिसोड में, समझे, पहले एपिसोड में, पीछे एपिसोड में मैं बताया हूं। ये जो है आपका एक क्लॉज है और मैं बताया था कि क्लॉज दो तरह से यूज हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला जो क्लॉज यूज होते हैं, ठीक है ना, वो क्लॉज होते हैं कि सेंटेंस के बीच में आते हैं, और अगर सेंटेंस के बीच में आते हैं तो इस क्लॉज का एंटीसीडेंट हो जाता है आपका सब्जेक्ट, और जब इस क्लॉज का एंटीसीडेंट सब्जेक्ट होगा तो इस क्लॉज के बाद मेन होके कोई वर्ब आएंगे, क्लॉज के बाद वर्ब की शुरुआत होगी, जब बीच में क्लॉज आएगा तब, जब ये क्लॉज के बाद वर्ब की शुरुआत होगी तो मुझे पता है कि इस रिलेटिव प्रोनाउन के लिए, इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला वर्ब इस रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अनुसार होता है। तो इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट है दीज हाउसेस, तो यहां वर्ब का प्रयोग भी इसी के अनुसार होगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। वर्ब का प्रयोग भी किसके अनुसार? इसके अनुसार होगा। तो ये प्लूरल है हाउसेज, इसलिए वर आया है, यहां तक तो सही है। उसके बाद अब जो है कि इस क्लॉज के बाद जो वर्ब आ रहा है उसके लिए भी सब्जेक्ट आपका वही है जो उस क्लॉज का एंटीसीडेंट है, तो जब इसके लिए भी सब्जेक्ट वही है तो यहां भी आ रहा,
कहीं कोई इधर नहीं, ठीक है ना, समझ गए। अब आइए इसमें अगली संभावना, अगली संभावना के बारे में बहुत अच्छा से मैं आपको बताया था, इसको ध्यान दीजिएगा कि मैं कुछ एडवर्ब ऑफ जो है टाइम का जिक्र मैं किया था, जैसे एगो, बिफोर, एस्टरडे। अब इस एस्टरडे से कुछ फ्रेज भी बनते हैं, जैसे एस्टरडे मैंने लिखा, अब यही एस्टरडे से लिख दिया मैं एस्टरडे मॉर्निंग, एस्टरडे इवनिंग, एस्टरडे इवनिंग, एस्टरडे नाइट, एस्टरडे नून, ठीक है। उसके बाद है एस्टरडे से एक फ्रेज बन गया द डे बिफोर एस्टरडे, द डे बिफोर एस्टरडे, ठीक है ना। उसके बाद आइए अब इसके बाद जो है एक वर्ड है लास्ट या प्रीवियस, ठीक है ना। अब इस लास्ट या प्रीवियस के साथ डे हो जाए, मंथ हो जाए, ईयर हो जाए, डिकेड हो जाए, सेंचुरी हो जाए, या व्हाट एवर इट में भी ये सब अगर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कोई भी समय का प्रीवियस टाइम का अगर जिक्र हो जाए, जैसे इन 1956, ठीक है ना, ऑन 26 जनवरी 1925, इस तरह का अगर जिक्र आ जाए तो याद रखिएगा कि जितने भी वर्ड यूज हो रहे हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, अगर इन एडवर्ब ऑफ टाइम का किसी भी सेंटेंस में प्रयोग हो जाता है तो मान लीजिएगा कि वह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही होंगे, दूसरा किसी भी टेंस में नहीं होगा। अगर आप देखिए यहां पे एक वर्ड का प्रयोग हुआ है एगो, अब इस एगो की जगह पे इसका भी कुछ फ्रेज आ जाएगा, लॉन्ग एगो, 5 इयर्स एगो, 10 इयर्स एगो, 20 इयर्स एगो, 20 डेज एगो, 5 डेज एगो, ठीक है ना, कुछ भी आ सकता है। वो तो अगो का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब है कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आना चाहिए। अगर आप ध्यान दीजिएगा कि क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, जी हां है, क्यों है बताते हैं। ये देखिए मैं आपको एक पैसिव पहचानने का तरीका मैं आपको बताया था, याद कीजिए पिछले एपिसोड में मैं बताया हूं कि जब कभी इज एम आर वाज वर्ब या बी या बिन या बीइंग के ठीक बाद अगर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है तो समझ लीजिएगा वो पैसिव है। देखिए तो वर्ब के बाद भी आया है, हम कहेंगे ये पैसिव है, और मुझे पता है कि वाज या वर के साथ भीतरी जो पैसिव बनता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बनता है। क्या ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है? है, एगो है, एगो के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये भी सही है। विच रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके बाद आने वाला वर्ब प्लुरल हो गया, किसके अनुसार? इसके अनुसार, ये भी सही है। यानी इसमें कोई इधर नहीं है, सेंटेंस नो इधर है, क्लियर हुआ। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। रवि कैन नॉट कम टू द मीटिंग एज ही वॉज नॉट वेल, यानी रवि मीटिंग में नहीं आ सका, क्यों? क्योंकि वह स्वस्थ नहीं था, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि यहां पे जो सेंटेंस है इसमें यह कह रहा है कि ही वॉज नॉट वेल, हम कह सकते हैं कि यह मेरा पास्ट है। तो अब यह सेंटेंस अगर पास्ट है तो यहां भाव भी यही बता रहा है कि रवि मीटिंग में नहीं आ सका, क्यों नहीं आ सका? क्योंकि वह वेल नहीं था, ठीक है ना, स्वस्थ नहीं था। तो जब वह स्वस्थ नहीं था तो नहीं आ सका, तो नहीं आ सका कैन नॉट होगा या कुड नॉट होगा, है ना। तो यहां जब पास्ट है तो इसका मतलब है कि कैन का भी पास्ट होना चाहिए। तो कैन का पास्ट क्या होता है? कुड होता है। अब इसी में कुड नॉट कर दीजिए। अब आप कह सकते हैं कि सर ये कुड हो गया तो यहां भी तो आना चाहिए था वर्ब का थर्ड फॉर्म, नहीं, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि कुड एक मॉडल एक्जिलरी वर्ब है, मॉडल एक्जिलरी वर्ब के तुरंत बाद अगर मेन वर्ब आता है तो अपने फर्स्ट फॉर्म में आता है, तो इसके साथ वी1 का प्रयोग होगा, ना कि वी2 वी3 वी4 वी5 का, ठीक है। नेक्स्ट आइए, We waited till 10 p.m. for our guests, but they never turned up. है ना? अब यहां पे देखिए, ये भी sentence past में है। They never turned up.
देखिए तो बी2 है ना, पास्ट में है। अब आपको लग रहा होगा कि सर आप कैसे कह दिए कि ये बी2 है, बी3 क्यों नहीं बोले? क्वेश्चन आ सकता है ना। ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जनरली नहीं आता है, ठीक है ना। जब भी आएगा तो मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा, और मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म जैसे ही आप बात करते हैं तब कोई ना कोई यहां पे अलग से कुछ एक्जुलरी वर्ब आएगा, तभी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। अकेला मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट के ठीक बाद नहीं आएगा, इसलिए यहां पे मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ये पास्ट है, इसका मतलब है कि ये सेंटेंस भी पास्ट होना चाहिए ना। आगे देखिए, यहां पे वेटेड है, हम कह सकते हैं कि ये भी बी2 है, तो दोनों सेंटेंस मेरा पास्ट हो गया, दोनों सेंटेंस पास्ट हो गया। तो इसमें एक चीज और जानिएगा कि वेट के साथ 4 का प्रयोग होता है, ठीक है ना। वेट फॉर समबडी या वेट फॉर समथिंग, ठीक है। अब देखिए यहां पे वेट टिल 10 PM, 10 बजे तक वेट किया, किसके लिए? फोर आ गया ना। ही वेटेड फॉर आवर गेस्ट, ठीक है ना। हम लोग गेस्ट के लिए वो वेट किया, हम लोग वेट किए, ठीक है ना। तो यहां वेट के साथ 4 आ गया, यानी इसका मतलब है कि यहां पे कोई एरर नहीं है, ठीक है ना। चलिए, आज का एपिसोड कैसा लगा आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। प्लीज मेरा एक काइंडली रिक्वेस्ट आपसे रहेगा कि जिस तरह से मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं उस तरह से कोशिश कीजिए प्लीज कि आप भी मेहनत करें, ठीक है ना। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करने की कोई आवश्यकता यहां पे नहीं थी, है ना। क्योंकि अच्छी खासी जॉब में हूं मैं, तो सिंपल सी बात है कि मुझे अलग से कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और वो भी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल क्वालिफाइड हूं, तो अमूमन है कि जॉब भी अच्छी होगी। तो इसके बावजूद भी ये पैशन के तौर पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और ये मेरा पैशन है कि मैं मैक्सिमम बच्चों को मैक्सिमम चीज दे सकूं, ठीक है ना। इसको लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। तो अगर अपने जॉब से टाइम निकाल करके, अपने फैमिली से टाइम निकाल करके अगर मैं आपको कुछ देने की कोशिश कर रहा हूं, तो प्लीज मुझे रिप्लाई जरूर करें आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, इफ यू आर सेटिस्फाइड टेल अदर्स, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड टेल मी ऑन द कमेंट बॉक्स, इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो कमेंट बॉक्स में डालिए कि हाँ कहां पे इरर आपको आ रहा है, कहां पे समझ में नहीं आ रहा है, या कोई और इसमें सुधार की आवश्यकता है तो वो भी बताएंगे। चलिए, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एपिसोड 12। थैंक्स अ लॉट।